स्वागत करने हम एक बार फिर आए हैं, चेहरों पर मुस्कान और दिलों पर प्यार लेके आए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डीना कुमार एंड आई एम आलिया हुसैन। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो जाज जूनियर। वी आर बैक विद अ बैंग। यस दिनदी इज राइट, लाइक एवरी टाइम वी विल डू योगा, वॉच एंड लिसन आवर स्टोरी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्ट्रेच आवर योगा मैट्स एंड गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आर वी रेडी टू लर्न? यस आलिया, अब हमारे व्यूअर्स तो सेट हो गए योगा करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर योगा इंस्ट्रक्टर सुधा। वेलकम यू इन टूडेज योगा सेशन। लेट्स स्टार्ट सेशन विद प्रेयर। नमस्कार मुद्रा, आईज क्लोज, टेक अ डीप इनहेल। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखी भागी भवेत्। शांति 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 ही। टेक अ डीप इनहेल। एक्सहेल करते हुए धीरे से आईज ओपन। यस गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बैलेंसिंग आसनास, जिसमें सबसे पहला पोस्चर है हमारा ताड़ासन, माउंटेन पोज। सम स्थिति में आ जाएं, दोनों हाथ साइड में, हील टोज टुगेदर, लुक फॉरवर्ड। वाइल इनहेल रेज योर हैंड्स अबव द हेड, इंटरलॉक योर फिंगर्स, पाम्स फेसिंग अप एंड हील्स अप। ब्रीथ नॉर्मल, होल्ड 10 सेकेंड। एक्सहेल, हील डाउन, साइड से हैंड्स डाउन, लेग्स में थोड़ा सा गैप, देन रिलैक्स पोजीशन। ताड़ासन का अभ्यास करने से हमारे
अगर किसी को शोल्डर फ्रोजन हो, नी इंजरी हो या किसी को लेग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्ते। हर बार की तरह इस बार भी आपने हमें काफी यूनिक आसन सिखाए। वेल, जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, आई हैव अ कंट्रोल ओवर माय माइंड, बॉडी एंड सोल, ऑल थैंक्स टू आवर शो। तो बच्चों, आ गए हम आपके और आलिया के फेवरेट सेगमेंट की ओर, जो है नित्य कथाएं, दैट इज स्टोरी टेलिंग इन डांस फॉर्म। दीना दी, आज हम कौन सी स्टोरी देखेंगे और सुनेंगे, बताओ ना प्लीज। अभी बताती हूँ आलिया, टुडे वी विल वॉच एंड सी द स्टोरी ऑफ फोर प्रॉमिसेस। ओ, प्रॉमिस के ऊपर? जी। सब बच्चों को लगती है नृत्य कथाएं अच्छी, जो कहानी लाई हूँ मैं हो सकती है सच्ची। एक बार की बात है, था देवू नाम का लड़का, जंगल में गुजरते हुए प्यास लगी थी उसको। फिर क्या हुआ दीदी? ओ, ये कुआं कैसा? इसमें पानी होगा। अरे ये क्या, इसमें तो फंसे हैं एक शेर, एक सांप, एक इंसान। आगे सुनो, ये आप तीनों अंदर कैसे फंस गए? तुम मुझे बाहर निकालो, एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर याद रखूंगा। तुमने अगर मुझे बचाया तो जिंदगी में कभी भी याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मुझे अगर मदद करोगे इंसानियत के लिए, मैं भी कभी तुम्हारे काम आऊंगा। सुनार हूँ मैं, आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद जब देबू उसी वन से गुजरा, याद उसे आया वो दिन और आ पहुंचा शेर की गुफा। शेर तो उसे खा जाएगा। आओ देखते हैं कि शेर क्या करता है। आइए आइए मेरी गुफा में, आपका स्वागत है। मेरे अतिथि बनकर भोजन खाकर ही जाना है। अब मैं तुम्हें तोहफा दूंगा जो बहुत काम आएगा। ये सोने के जेवरात तुम्हें अमीर बना देंगे। इन गहनों को लेकर मैं उस सुनार के पास जाऊंगा, जो उनके बदले पैसे देकर मेरा एहसान चुकाएगा। आओ मित्र, कैसे हो तुम? क्या मदद कर सकता हूँ मैं? इन गहनों के बदले में पैसे देकर मेरी मदद कर दो।
ओह, ये तो वही गहने हैं जो राजकुमार के लिए मैंने अपने हाथों से बनाए थे। राजकुमार और गहने दोनों गायब हुए थे, जिसके लिए राजा ने चोर को पकड़ने के लिए भारी इनाम घोषित किया था। मित्र, यहीं बैठो तुम, मैं अभी लौटा पैसे लेकर। राजा के पास गया सुनार, फंसा देबू, हुआ चोर करा, जेल में डाला सिपाही ने, रोया देबू पड़ी मार। पकड़ो पकड़ो उस चोर को, पकड़ो। कृपया करके मेरा पक्ष भी तो सुनो। अरे सुनो ना, अब मैं सांप को याद करता हूँ, वो ही मेरी मदद कर सकता है। ओम सर्पाय नमः, ओम सर्पाय नमः, ओम सर्पाय नमः। तो बड़ी मुसीबत में हो। देबू, मेरी बात सुनो। इस समय राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई है सांप के काटने से। आप राजा को बोलो मैं सांप काटने का इलाज करता हूँ, फिर मैं देख लूंगा। दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जी, उसके लिए मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या हुआ दीदी? फिर राजा के जाते ही देबू ने खिड़की से सांप को अंदर बुलाया और सांप ने आते ही राजकुमारी के शरीर से सारा का सारा विष निकाल दिया और फिर राजा ने खुश होके देबू को आजाद कर दिया। देबू आजाद हो गया? हाँ, देबू फिर आजाद हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? जो जैसा दिखता है वो शायद वैसा ना हो। बिल्कुल, सच्ची मित्रता कहाँ मिलेगी, किस पर भरोसा करें? इंसान भी धोखा दे जाए पर जानवर सच्चा हो, इसीलिए समझदारी और साहस से काम लेना चाहिए। तो अप्राशता दी, आज आपने हमारे व्यूअर्स और हम सब बच्चों को आपके आपके डांस के थ्रू From Promises के स्टोरी सुनाए, which we all enjoyed. Thank you so much अपराजिता जी, आपने हर बार की तरह हमारे व्यूअर्स में न्यू वैल्यूज इम्बाइब किए हैं। हम वेट करेंगे आपका नेक्स्ट वीक विद सम न्यू स्टोरीज। दीना दीदी, पता है स्कूल में क्या हुआ? आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। यस दीना दी, आज हमारे स्कूल में एक बच्चे ने मेरी फ्रेंड को टीज किया और मैंने फिर उसकी हेल्प की और मैंने मैम को बुलाया और मैम ने हमें समझाया कि हमें टीज नहीं करना चाहिए और बुली तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी गुड आलिया। तो हमें बच्चों टीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और बुली तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गेट बुलीड एंड वी शुड नेवर बुली। तो जो टॉपिक है हमारा आज का, डार्क साइड ऑफ स्कूल बुलिंग, आज इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हम स्वागत करना चाहेंगे हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर सलोनी गुप्ता जी का। सलोनी जी एक प्रोफेसर है डीयू से एंड मैम का 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ऑल्सो सलोनी मैम इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। स्वागत करना चाहेंगे मिस नलिनी एंड्रू जी का। मैम इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वींस कॉन्वेंट स्कूल। वेलकम मैम। वेलकम मैम टू आवर शो। प्लीज हैव अ सीट। तो डार्क साइड ऑफ स्कूल बुलिंग क्या है, इसे और अच्छे से जानते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट वीडियो। लेट्स हैव अ लुक।
ऑफ स्कूल बुलिंग के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं क्वींस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे। वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर शो। तो बच्चों, आई एम श्योर कि आपने अपने आसपास बुली होते हुए देखा ही होगा। तो आज आपके जितने भी डाउट्स हैं बुली को लेके, वो क्लियर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ द डे। सलोनी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बुलिंग। कॉन्फ्लिक्ट और बुलिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कॉन्फ्लिक्ट जब बच्चों में होता है तो बच्चे ओकेजनली कभी कोई इशू अराइज हुआ उस पर उनका कभी डिसएग्रीमेंट होता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या उनके कई बार इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, तो ऐसे में जनरली दोनों बच्चे जो हैं इमोशनली हर्ट होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं और उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। वो आपस में एक दूसरे को सॉरी भी कहते हैं, तो ऐसे में उनके बीच में कोई लॉन्ग टर्म जो है वो प्रॉब्लम नहीं अराइज होती। जनरली वो इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक बुलिंग का सवाल है, बुलिंग में डेलिब्रेटली एक बच्चा दूसरे बच्चे को रिपीटेडली हर्ट करता है, उसके पेन देता है, उसको इमोशनल पेन देता है और उसमें जो विक्टिम है या जिसको बुली किया जाता है वो उसी का ही सिर्फ इमोशनल हर्ट होता है, दूसरा बच्चा इमोशनली हर्ट नहीं होता और इस ये बिहेवियर बार बार रिपीट किया जाता है। आई एम श्योर कि मैम के जवाब से हमारे सारे व्यूअर्स जान ही गए होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट और बुलिंग में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, क्या हम आपका पहला क्वेश्चन ले सकते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज इशिका एंड आई एम फ्रॉम क्वींस कॉन्वेंट स्कूल। माय क्वेश्चन इज फॉर नलिनी मैम। मैम, डू यू थिंक द बुली हिमसेल्फ इज इनसिक्योर एंड इफ नॉट देन व्हाई डज ही बुली अदर्स? इनसिक्योरिटी इज विद इन, जिसको कहते हैं ना इनसिक्योर आदमी अपने आप में अंदर होता है, तो जो बुली करता है उसमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि जो सामने वाला है जिसको वो बुली करना चाह रहा है उसमें कुछ अच्छाई है जो मुझ में नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं ये फील आता है कि मैं इसको नीचा दिखाकर या इसको परेशान कर इसके मनोबल को तोड़कर ही अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि कमी आप में नहीं है, कमी उसमें है जो कि बुली कर रहा है। सो कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि बरुआ फ्रॉम क्वींस कॉन्वेंट स्कूल। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर नलिनी मैम। मैम, बॉयज बुली मोर देन गर्ल्स, इज दिस अ करेक्ट अजम्पशन? आई डोंट थिंक सो। जेंडर हैज नथिंग टू डू विद बुलिंग, इट इज द मेंटल स्टेट। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि बॉयज़ आर मोर एग्रेसिव देन गर्ल्स, उनका तरीका बुली करने का थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है कंपेयर टू गर्ल्स, लेकिन ये कहना कि सिर्फ बॉयज़ ही ज़्यादा बुली करते हैं ये सही नहीं होगा। लेट्स नॉट स्टीरियोटाइप बुलिंग, बुलिंग कैन हैपन एनीवेयर। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशिता, माय क्वेश्चन इज फॉर सलोनी मैम। Ma'am, is bullying a physiological condition or a person is born with these traits? ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा by birth उसमें इस तरह के traits हों। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको over the time अपने atmosphere से वो सीखता है। कई बार बच्चा insecure हो जाता है घर में, या कई बार school में teachers जो बच्चे studies में अच्छे होते हैं उनको ज़्यादा attention देते हैं, तो इस तरह की insecurity से, इस तरह के atmosphere से वो दूसरे बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या अटेंशन लेने की कोशिश करता है, तो अटेंशन लेने की कोशिश में इस तरह के बच्चे इस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो ये कोई ऐसा ट्रेट नहीं है जो बाय बर्थ होता है। तो बुलिंग कोई ऐसा ट्रेट नहीं है जो बाय बर्थ होता है, बच्चे के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि दैट ही इज अ बुली और नॉट। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो एवरीवन, आई एम नैंसी, माय क्वेश्चन इज फॉर नलिनी मैम। मैम, बुलीज अपने विक्टिम को टारगेट कैसे करते हैं? बुली अपने विक्टिम को टारगेट इसी तरह से करते हैं कि वो सबसे पहले उसकी वीकनेस को पता लगाते हैं, कहाँ उसको वो ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, किस तरह का उसके कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और जहाँ उनको लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं उसका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, तो वहीं पर वो उसके ऊपर चोट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो ज़्यादा करते हैं जिससे उसको परेशानी हो।
तो टारगेट, जहाँ तक सवाल है कि कैसे टारगेट करते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करके, इन्हीं चीज़ों को देख करके, इन्हीं चीज़ों को समझकर वो अपने विक्टिम को परेशान कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी वीकनेस को थोड़ा छुपा के रखना है, अपनी वीकनेस को सामने नहीं लाना है, वरना आप भी टारगेट बन सकते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर बुलीज हमारे आसपास होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें रोका जा सके? और मैम, बुली ज़्यादा दोषी होता है या जो बुली का साथ देता है? मेरे हिसाब से किसी भी गलत चीज़ को प्रोत्साहित करना या उसको बढ़ावा देना अपने आप में गलत है, और बुली करना या किसी को परेशान करना, किसी का आत्मविश्वास तोड़ना, किसी को फिज़िकली परेशान रखना या मेंटली टॉर्चर करना, ये तो कोई सही बात नहीं है। तो अगर ये सही नहीं है, तो कोई भी अगर इसका साथ देता है या कोई इसको देख करके अनदेखा करे, उसके प्रति आवाज़ ना उठाए, उसको रोके ना, तो वो भी गलत है। गलत का साथ देना मतलब गलत। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर भी हम ऐसा कोई एक्ट देखते हैं, उसको हमें सबसे पहले उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, अपने टीचर्स, अपने बड़ों को बताना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उस ऐसे व्यवहार पर रोक लग सके। और दूसरी बात ये कि बुली करना सही या गलत, तो बेसिकली गलत है, और किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पर इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ज़्यादातर हमारे आसपास के लोग ही, हमारे फ्रेंड्स ही कभी, जिनको हम अपना क्लासमेट कहते हैं या जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, वही हमारी वीकनेसेस को जानते हैं, वही हमारी कमियों को जानते हैं, जिसका वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें, जैसा इन्होंने कहा, कि अपनी कमियों को कभी उजागर ना करें, बल्कि उनसे फाइट करके अपने आप को मजबूत करें, मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे साथ के रहने वालों को हम रोक सकें। तो जैसा कि नलिनी मैम ने कहा कि जो बुली कर रहा है वो तो गलत है ही, पर जो बुली होता हुआ देख रहा है वो भी उतना ही ज्यादा कल्प्रिट है। सलोनी मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या है ये डार्क साइड ऑफ बुलिंग? क्या बुलिंग खुद ही एक डार्कनेस नहीं है? कई बार देखा गया है कि जो बच्चा बुलिंग करता है, अगर उसको सही समय पे उसको काउंसलिंग ना दी जाए, या सही समय पे उसको एक्सेप्ट करके उसके बिहेवियर को, कि हाँ वो बच्चा बुली कर रहा है, पेरेंट्स या टीचर उसको एक्सेप्ट करके उसको अगर ठीक समय पे उसको करेक्ट ना किया जाए, तो लॉन्ग टर्म में उसका बिहेवियर फॉर ऑल टाइम टू कम नेगेटिव हो जाता है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए हम उसकी डार्क साइड को डिस्कस इसलिए करते हैं कि हम उसके कॉजेज को जानें, उसको किस तरह से करेक्ट करना है उसको जानें। तो बुलिंग का रूट कॉज जानने के लिए हम उसके डार्क साइड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीत चौधरी। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम सलोनी मैम। मैम, इन दिस पीरियड ऑफ पैंडेमिक द केसेस ऑफ साइबर बुलिंग हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। मैम, हाउ कैन वी डील विद दिस टाइप ऑफ बुलिंग? इस तरह की जो प्रॉब्लम सोशल मीडिया से बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ गया है आजकल के टाइम में, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसका जो सबसे पहला इलाज है कि कभी भी जब इस तरह के आपको कोई टेक्स्ट करके, वीडियो भेज के या मैसेज करके कोई भी आपको बुली कर रहा है, तो सबसे पहला उसका इलाज है कि आप इसको अवॉइड कीजिए। बच्चों, आप समझ ही गए होंगे दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो आपको कोई भी ऐसे मैसेजेस आए, कोई भी बुली करे, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी इग्नोरेंस। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो माय क्वेश्चन इज फॉर नलिनी मैम। सो मैम, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट बुलिंग इन स्कूल? स्कूल इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर द टीचर्स, द काउंसलर्स एंड द प्रिंसिपल कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हमारा एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने बच्चों के माइंडसेट को समझें, उनके सोच को बदलें। तो सोच बदलने के लिए हमें उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, उनको स्कूल के जो नॉर्मल वर्किंग है, जो फंक्शंस हैं या और बाकी चीज़ें जो होती हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट करना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात जो है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि
हमारे बच्चों में, हमारे यंग जनरेशन में ख़त्म हो रही है वो है एक एम्पथी, फीलिंग ऑफ एम्पथी, एक एक दूसरे को समझने की शक्ति. ये सब चीज़ें जो हमारी सोसाइटी से और हमारे यंग जनरेशन के में से ख़त्म हो रही है, इन चीज़ों को हमें दोबारा रिस्टोर करना है. तो हमें अपने बच्चों की सोच बदलनी है, उनके अंदर एक ठहराव लाना है, एक मैच्योरिटी लानी है, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लानी है कि ये सब चीज़ें करके वो सिर्फ सामने वाले का नुकसान नहीं बल्कि अपने अंदर की पर्सनालिटी, अपने आप का भी नुकसान. बिल्कुल मैम, मगर हम बच्चों की सोच बदलेंगे तो उनकी दिशाएं भी बदलेंगी और वो शायद बुली नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर सलोनी एंड नलिनी मैम, आप हमारे शो पे आए और हमारे बच्चों और व्यूअर्स को बताया कि बुलिंग से कैसे बचना है, और बुलिंग हो रहा है और वो देख रहे हैं तो उन्हें उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करना है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक हमारे क्वींस कॉन्वेंट के बच्चे. थैंक यू बच्चों, आप हमारे शो पे आए. आई एम श्योर कि बुलिंग से रिलेटेड अब आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो सभी सॉल्व हो गए होंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय 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 बाय. तो आलिया, व्हाट डिड यू लर्न इन टुडेज एपिसोड? दीना दी, मैंने आज योगा के कुछ न्यू एंड इम्पोर्टेंट आसन सीखे. द फोर प्रॉमिसेस से भी मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉमिस सीखा. वेरी नाइस. फॉर एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, दिस इज आवर ईमेल आईडी. आशा करते हैं कि आपने भी काफी कुछ सीखा होगा. सो इट्स नाउ टाइम टू टेक अस योर लीव. वी विल मीट यू नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम विद सम न्यू टॉपिक्स एंड न्यू एक्सपर्ट्स ओनली ऑन योर फेवरेट शो जस जूनियर. स्टे सेफ एंड आफ्टर ऑल माय फ्रेंड्स. थैंक यू.